राधे राधे माई माई चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे क्रॉस सेक्शनल डेटा एंड टाइम सीरीज डेटा ये डेटा क्या होते हैं हम इनको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखिए द डेटा विच इज़ कलेक्टेड ऑन वन और मोर वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल डेटा तो जब हम किसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं जैसे यहाँ मैंने लिखा है एज ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास तो जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में वन से लेकर फिफ्टी स्टूडेंट्स हैं ठीक है थीके? और हम उनका डेट डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एज के लिए तो हमारे पास इनकी एज का रिकॉर्ड है किस बच्चे की कितनी एज है तो एट द सेम टाइम पे हम देख रहे हैं कि एज कितनी है ठीक है तो ये कैसा डेटा हो गया क्रॉस सेक्शनल डेटा ऐसे ही मान लीजिए आप कलेक्ट कर रहे हो कि इनका बच्चों का वेट कितना है ठीक है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा सपोज आप ये देख रहे हैं कि इनके पेरेंट्स की मंथली इनकम कितनी है ठीक है तो ये जो सारा डेटा है आप क्या कर रहे हैं एक टाइम पे कलेक्ट कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर एग्जाम में इन बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं तो ये जितना भी डेटा है ये कैसा है क्रॉस सेक्शनल डेटा बिकॉज यू आर कलेक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है क्यों ये यूजफुल है तो इट इज़ यूजफुल फॉर द कंपेरिजन ऑफ या डिफरेंट आएगा डिफरेंट यूनिट्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम है ना जैसे कि मान लीजिए मेरे पास मार्क्स का डेटा आ गया तो मैं यहाँ कंपेयर कर पाऊँगी ना कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए किसके सबसे कम आए किसके सबसे ज़्यादा है कितने बच्चों के एवरेज मार्क्स आए तो ये सारा कंपेरिजन हम कर पाते हैं जब हमारे पास क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है ओके अब हम बात करते हैं टाइम सीरीज़ डेटा की तो जैसे यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या है टाइम की एक सीरीज़ है ना टाइम के साथ हमें कुछ डेटा मिल रहा है तो इसमें देखिए क्या होता है इट इज़ अ डेटा विच इज़ कलेक्टेड ऑन अ वेरिएबल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम तो किसी वेरिएबल के लिए अलग अलग टाइम पे हम जब डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं मान लीजिए कोई बच्चा है वो 2004 में उसने फर्स्ट क्लास को पास किया और उसके परसेंटेज थे 85 परसेंट ठीक है फिर 2005 में ये बच्चा आया सेकंड क्लास में और इसके परसेंटेज होगा 86 परसेंट फिर ऐसे करते करते ये मान लीजिए 2013 में हम अगर देखें और ये बच्चा आ जाएगा टेंथ क्लास में और इसके मान लीजिए परसेंटेज है नाइन्टी ठीक है तो अगर हमारे पास किसी स्टूडेंट के टेन ईयर्स का डेटा है तो ये जितनी क्लासेस इसने की अलग अलग ईयर में करी तो ये डेटा कैसा है हमारा ईयर वाइज डेटा है ठीक है तो हमारे पास ये जो डेटा है डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे टाइम सीरीज डेटा ओके अब टाइम सीरीज डेटा जरूरी नहीं है ईयरली कलेक्ट किया जाए ये डिपेंड करेगा कि हम किस वेरिएबल के लिए डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं जैसे इसको हम रेगुलरली कलेक्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे डेली मतलब जैसे कि स्टॉक मार्केट का डेटा होता है वो डेली देखते हैं क्योंकि वो अप डाउन डेली होता रहता है ठीक है कुछ डेटा होता है जो वीकली कलेक्ट किया जाता है जैसे शॉपकीपर्स होते हैं तो वो जैसे कुछ शॉपकीपर्स क्या करते हैं वीकली अपना सामान मंगाते हैं ना तो उनके पास डेटा रहता है कि, कि किस हफ़्ते कितने का हमने परचेज़ किया था या किस एक हफ़्ते के बाद हमारी कितनी सेल हुई है ठीक है ऐसे ही मंथली हमारा मंथली घर में जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो हमारा उसका डेटा होता है कि अच्छा इस महीने इतना खर्चा हुआ इस महीने इतना खर्चा हुआ ठीक है तो ये डेटा ऐसे डेटा हमारे पास क्वार्टरली हो सकता है ईयरली टू ईरली थ्री ईयरली फोर ईयरली फाइव ईयरली टेन ईयरली कुछ भी हो सकता है ठीक है तो रेगुलर बेसिस पे जो टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमें जो डेटा मिल रहा है वो सारा डेटा क्या है टाइम सीरीज डेटा ठीक है ऐसे ही जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फ्रॉम 2012 थाउजेंड ट्वेल्व टू टू तो अगर एक कंपनी है उसके पास अपने 10 सालों का या कितना हाँ दस सालों का अगर डेटा है तो वो पता कर सकती है ना अगर मान लीजिए उसके बाद दस साल का डेटा जो है वो किसके लिए है आ, सेल्स का डेटा है या प्रॉफिट का डेटा है तो वो पता कर पाएगी कि उसको प्रॉफिट हो रहा है यानी कि उसकी ग्रोथ हो रही है या नुकसान में जा रहे हैं या कुछ अप डाउंस हो रहे हैं ठीक है थीके? तो ये जो डेटा है हमें बताता है कि हमारा क्या ट्रेंड चल रहा है तो देखिए जैसे मैंने लिखा भी है कि इट इज़ यूजफुल फॉर एग्जामिनिंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स विद इन अ सिंगल वेरिएबल ओवर टाइम ठीक है तो हमारा क्या ट्रेंड चल रहा है जिससे इसके बच्चे के मार्क्स थे तो उसको पता चलेगा कि उसका जो स्कोर का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है या अप डाउन हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है है ना तो हम ये सब चीज़ें पता कर पाते हैं जब हमारे पास टाइम सीरीज डेटा होता है ठीक है सो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ही अच्छा और सिंपल टॉपिक है तो आई होप आपको समझ आया होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा और ये मेरा विश यू ऑल द बेस्ट राधे राधे